हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ चीज पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बन भी जाएगा बहुत जल्दी। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी जानने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड एंड तक फॉलो कीजिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाना है इसका डो, और इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आटा। आप आटे के बदले मैदा भी यूज कर सकते हो। और इसमें ऐड करना है एक चुटकी नमक। नमक अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें ऐड करना है पानी। अब हम आटे को बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे और इससे एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि डो अच्छे से बन चुका है। तो अब हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम आटे के डो से मीडियम साइज के बॉल्स बना लेंगे और उसको रोटी के शेप में बेल लेंगे। रोटी को बेल लेने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐसे लगा लेंगे। फिर हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा सा ड्राई चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब लास्टली हम इसके मिडिल पे प्लेस कर देंगे चीज स्लाइसेस। मैं यहाँ पे दो स्लाइसेस यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो एक स्लाइस भी यूज कर सकते हो। अब हम रोटी को ऐसे चारों साइड से फोल्ड करके चीज को कवर कर देंगे। अब फिर से एक बार हम रोटी को बेल लेंगे। चीज पराठा फ्राइंग के लिए तैयार है, तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। पराठे को दोनों साइड से पहले तो हम थोड़ा सा सेक लेंगे और फिर इसके बाद हम दोनों साइड में ब्रश कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब ऑयल के बदले बटर भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। पराठे को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। ये वाला पराठा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और सेम वे में बाकी बचे हुए पराठे को फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, चीज पराठा तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ कि अंदर से भी कैसा बना है। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितना चीज़ी और यम्मी बना है। सो आई होप दोस्तों कि आप सबको रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।